ठीक है, प्लेन का कंटिन्यूशन चल रहा है, आगे देखते हैं। देखिए, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कि एक प्लेन है, जैसे कि आर बार है एक प्लेन, उसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस, ऐसा नहीं है जो कांस्टेंट मैंने लिए है आप वही यूज करो, आप यूज कर सकते हो कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, अल्फा टाइम्स ऑफ बी बार प्लस बीटा टाइम्स ऑफ सी बार। ठीक है, तो अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो इन्होंने अल्फा और बीटा की जगह पे क्या यूज किया है, लैम्डा एंड म्यू, बस फर्क इतना सा है, कुछ और फर्क है नहीं। इसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म को वेक्टर इक्वेशन अगर बनाना है, तो एक सिंपल सा तरीका है, वेरी सिंपल मेथड। आर तो आर ही है, आर एन इज इक्वल टू ए एन, ये तो आपको पता ही है, आर एन इज इक्वल टू ए एन। मैं कलर चेंज करता हूं, आर को आप आर ही रखो, ठीक है, ए को आप ए ही रखो, ए इज द एनी पॉइंट। इधर क्या आएगा पता है, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब रीजन क्या है मैं बताता हूं, रीजन ये है कि जब बी और सी का आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, तो आपको वो मिलेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो बस यही था, दैट्स इट। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन डैश 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 इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। सो यूजुअली मैंने आपको पहले ही बताया है, द आंसर इज आर एन इज इक्वल टू ए एन। एन क्या आता है पता है, मैंने अभी बताया है, बी और सी का क्रॉस ले लो, बी और सी का क्रॉस ले लो। चलो इधर अपन निकाल लेते हैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी। इसमें ना देखो, लिखने का काम बहुत ज्यादा है, समझने का तो कुछ है ही नहीं, ऊपर आ जाएगा आई जे के। अच्छा, बी क्या आएगा, आई जे के मतलब लैम्डा, नहीं, गलती हो रही है, ये है बी, ये है बी, मैं इसको इरेज कर लेता हूं, मैंने गलती करी हुई है। हाँ अब ठीक है, ये है बी, ये वाला है सी, ठीक है ना, कांस्टेंट को इंक्लूड नहीं करना है। सो बी में I1 है, J0 K0, सी में I1 है, J2 K-3। सो जैसे कि आपको पता है, डिटर्मिनेंट लेते हैं अपन, I 0 0 0 0 हो जाएगा। अब J की बात करते हैं, J का रो डिलीट कॉलम डिलीट, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ -3, और जैसे कि आप देख पा रहे हो 0 हो जाएगा। K में देखते हैं, K कैप आ जाएगा 2 -0, सो फाइनल आंसर कितना आ गया, 3J+2K। खत्म। तो आंसर आ जाएगा आर बार इज इक्वल टू 3J+2K। और यहां ए और बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, तो डॉट आपको लेने आता है, इसका डॉट लेना है इसके साथ, सो आई आई के साथ 0, क्योंकि देखो 2i है, इधर i तो है ही नहीं है, तो 2 × 0i 0 हो गया। j j के साथ, j कितना है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर j 3 है, तो 3 × 0 0। k का k के साथ, तो 2 × 2, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए पहले हम वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, ये है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, जिसमें ये है ए, ये है बी तथा ये है सी, इतना आपको क्लियर हो गया।
अब पहले वेक्टर फॉर्म बताओ क्या आता है। वेक्टर फॉर्म इज आर एन इज इक्वल टू ए एन। एन को हम लिख सकते हैं क्या, बी क्रॉस सी, ठीक है, और ए एन, एन क्या है, बी क्रॉस सी। अच्छा इसको आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। बी बार क्रॉस सी बार कहां से आएगा, इधर आ जाएगा आई जे के, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बी के कंपोनेंट्स क्या है, 1 माइनस 1 टू, 1 माइनस 1। सी के कंपोनेंट्स क्या है, 1 2 1, ठीक है। तो बस काफी सिंपल सा था, बी क्रॉस सी आप इधर लिख दोगे डॉट प्रोडक्ट। अच्छा इसको ना कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, इफ यू नोटिस, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। देखो यही सेम क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व करा था, सेम टू सेम है, सिर्फ वैल्यूज बदली है। ये वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा बताओ इसका। सिंपल है, बड़ा ही इजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। कार्टेशियन फॉर्म में आई 0 है तो 0x प्लस 3j मतलब 3y प्लस 2z और इस तरफ आ जाएगा 2, खत्म। तो ये कार्टेशियन हो गया, ये वेक्टर है। तो वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर तो मैंने आपको पहले सिखाया है, इसमें भी वही होने वाला है। हम पहले बी क्रॉस सी ढूंढेंगे, अगर आपको चाहिए तो मैं फाइंड कर देता हूँ बी क्रॉस सी। तो बेसिकली बी क्रॉस सी क्या आएगा, आई तो आई ही रहेगा, ठीक है, -1 -4 -5 आ जाएगा, सही है क्या, देखो ठीक है। जे के लिए देखते हैं, 1 माइनस 2 इज -1। के लिए ढूंढते हैं, 3 के, तो जैसे के लिए आ चुका है आपके सामने, यह जाएगा आर बार। बी क्रॉस सी क्या है, -5 आई कैप 1 j कैप 3 k कैप। अच्छा ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ, सो आई वाले आई के साथ टकराएंगे -5, जे वाले जे के साथ टकराएंगे 1, के वाले के साथ टकराएंगे 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, बस यही था। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा, -5x प्लस 1y प्लस 3z इज इक्वल टू -4, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो कुछ भी नहीं था, आपने देखा सिंपल सा कंसेप्ट था। मैंने करेक्ट तो सॉल्व किया है ना, आप एक बार चेक करके देखना, कोई प्लस माइनस की तो मिस्टेक नहीं है। यू हैव ओनली 10 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा एक नया कंसेप्ट हम देखते हैं, नया कंसेप्ट में कुछ भी खास नहीं है, काफी सिंपल है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो पर्सन वही होता है, हर इवेंट पे कपड़े अलग अलग होते हैं। आप शादी पे जाते हो अलग कपड़े पहनते हो, आप पार्टी में जाते हो आप अलग कपड़े पहनते हो, आप पूल पार्टी में जाते हो आप अलग कपड़े पहनते हो, आप गोवा घूमने जाते हो तो कुछ अलग कपड़े पहनते हो, वहीं आप जम्मू कश्मीर की ठंड में जाओ तो गोवा के आप शॉर्ट्स तो वहां लेके नहीं जाओगे, गोवा की टी शर्ट्स तो वहां लेके नहीं जाओगे, वहां पे आपको जैकेट्स लगेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम वाटर स्पोर्ट करने जा रहे हो तो वहां स्विम वेयर लगेंगे, वहां आपको जम्मू कश्मीर के जैकेट्स और कंबल तो काम नहीं आने वाले। तो हर इक्वेशन को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। प्लेन का इक्वेशन मैंने आपको बताया नॉर्मल और पॉइंट के थ्रू भी एक्सप्रेस होता है, अब यही प्लेन का इक्वेशन 3 पॉइंट्स के थ्रू भी एक्सप्रेस हो सकता है। काफी सिंपल है, फॉर्मूला आपके सामने है कि मार्केट में 3 पॉइंट्स हैं ABC, तो आर एन इज इक्वल टू ए एन होता है, आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। एन है नॉर्मल, मुझे एक बात बताओ, अपना ये प्लेन है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारा प्लेन है, इस पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी, यह है ए, यह है बी, यह है सी,
अब एक कॉमन सेंस सोचो कि ए तो एक पॉइंट है ही है, तो ए तो मिल चुका है अपने को, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए अपने को चाहिए नॉर्मल, तो मैंने क्या किया, ए से बी एक वेक्टर ड्रॉ किया, ए से सी एक वेक्टर ड्रॉ किया। अब मेरी ओर मत देखो, प्लेन पे देखो। जब मैं ए बी का और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऐसा चीज मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर है। किस पे? आई विल गेट अ थिंग, मुझे एक ऐसी चीज मिलेगी जो ए बी और ए सी पे परपेंडिकुलर है। ए बी और ए सी कहाँ है? प्लेन में है, मतलब वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन्स था, इतना बताने का जरूरत नहीं था, पर फिर भी मैंने बता दिया। तो चलिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स। ठीक है, ओके। सो फॉर्मूला क्या है, आर एन इज इक्वल टू ए एन। आर बार तो आर बार है, नॉर्मल कैसे मिलेगा, लेट से ये ए है। आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हो ना, मैं इतना क्यों लिखूं। मान लेते हैं कि ये ए, मान लेते हैं ये है बी, मान लेते हैं ये सी, आप इतना लिख सकते हो, राइटिंग स्किल में तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। सो एन कैसे मिलेगा, तो ए बी और ए सी ये दो वेक्टर बनाए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो इट इज ऑलवेज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए सी। ये बात मैंने वेक्टर्स में भी सिखाई है, आपने नहीं देखा तो मैं फिर से बताता हूं कि जब दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको ऐसा वेक्टर मिल जाए जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी कहते हैं। ए तो आपको पता है, और एन क्या है, ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, आर बार है, कोई दो राय नहीं है उसमें, और ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, सो पहले ए बी क्रॉस ए सी निकालना बड़ी बात नहीं है, पहले तो ए बी कैसे मिलेगा, इधर निकालता हूँ। ए बी इज वॉट, बी माइनस ए, है ना, मैंने वेक्टर्स में बताया था, तो बी माइनस ए करना है। सो आई माइनस आई, जीरो आई, 2j माइनस j, 1j, k माइनस माइनस 2k, 3k। आगे देखते हैं, ab मिल चुका है, अब ac चाहिए। ac इज व्हाट, c माइनस a, c माइनस a, 2i माइनस i, अकेला i, माइनस j माइनस j, माइनस टू जे, सही है ना। ए सी माइनस ए करना है, 2i माइनस आई गया, माइनस जे गया, के माइनस माइनस 2k, 3k। तो अभी अपने को ढूंढना है ए बी क्रॉस ए सी, ये आई जे के। ए बी कहां पे है, यहाँ पे है 0 1 3 और 1 माइनस 2 3। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशंस करते हैं अपन यहाँ पे। आई के लिए क्या आएगा, आई के लिए आई ही रहेगा, 3 1 3, 2 3 6, माइनस माइनस 6 प्लस 6, 6 और 3 आ जाएगा 9, तो बेसिकली हो जाएगा 9i कैप। माइनस जे के लिए देखते हैं, 3 0 0, 3 1 3, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, माइनस माइनस 3 हो जाएगा +3। के का देखते हैं, के कैप तो के कैप है, 0 माइनस 1 इज -1, ठीक है, तो आ जाएगा -1 के कैप, खत्म। यह जाएगा 9i कैप, 3j कैप, -1k कैप। अच्छा, इसका ए के साथ डॉट ले लेते हैं अपन। सो डॉट कैसे आएगा, आई आई के साथ 9, जे जे के साथ 3 1 3, के साथ -1 × -2 इज 2। सो इधर आ जाएगा आर बार 9i,
3J-1K। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाके चेक करो इसमें ये करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि करेक्ट ही है, मैंने बहुत ही प्रिसाइजली सॉल्व किया है। आपकी बुक में रॉन्ग हो सकता है, मेरा रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बहुत ही फोकस के साथ सॉल्व किया। ये है वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म आएगा 9x 3y-1z = 14। ये कार्टेशियन फॉर्म। नॉलेज की बात एक और बता दूं कि ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। और आपको एक कंसेप्ट नया सीखने को मिल गया, इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन दिस इज द अप्रोप्रिएट मेथड, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट एंड ट्राई टू सॉल्व बाई योर सेल्फ एज वेल। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। अब आपको पता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स इज आर बार डॉट ए से बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए से सी के साथ, और क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए बार डॉट ए बी का क्रॉस ए सी के साथ। अच्छा आगे तो आप कर लोगे ना, प्लीज एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट कि आप कर सकते हो। कोई भी ऐसा ना बोले कि हम नहीं कर सकते। ए बी और ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए बी इज बी माइनस ए, ए सी इज सी माइनस ए। ए बी इज बी माइनस ए, सो 1 - 1 = 0। बी माइनस ए 1 - 1 = 0, -1 - दिस, सो -1 j कैप, 1 - 1 = k कैप। चेक करता हूँ, 1 - 1 = 0, -1 - 0 वही रहेगा, 1 - 1 = 0। ए सी क्या है, सी माइनस है, 4 - 1 = 3 i कैप, -3 j कैप, 1 k कैप। देखो इसको सॉल्व आपको करना है, ठीक है। सॉल्व में क्या है, यहां पे तो सिर्फ पुटिंग ही करनी है। हेयर यू नीड टू पुट द वैल्यू, हेयर यू नीड टू पुट द वैल्यू एंड टेक द डॉट प्रोडक्ट। तो उसके पहले में हम ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं। आई थिंक वो भी आप खुद निकाल सकते हो, एटलीस्ट इतना तो करते आना चाहिए। इधर आ जाएगा 0 - 1 = 0, 3 - 3 = 1, ठीक है। तो बस इतना सा था, क्रॉस प्रोडक्ट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना अपने को आता ही है क्रॉस प्रोडक्ट लेना। और क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो वेक्टर आएगा ना, आपको यहाँ पे पुट कर देना है और इस तरफ डॉट भी लेना है। तो आप भी सॉल्व कीजिए, मैं सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट निकाल के दे देता हूँ। यू हैव ओनली 60 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कुछ नए कंसेप्ट देखते हैं जो मुझे लगता है यहाँ पे रोक देते हैं, इतने आप सॉल्व कर लो, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। और इन सब की फॉर्मूला शीट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर ली है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, मेहनत करते रहिए बिकॉज इट इज ऑलवेज वर्थ इट। अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, धीरे धीरे ना सही एक
लंबे समय बाद आपको रिजल्ट उस पर जरूर दिखेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।